नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज। ग्राम सेवा सहकारी समिति सोडलपुर में चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत नवीन कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें अध्यक्ष पद पर प्रकाश चंद्र राणा वे उपाध्यक्ष नारायण लाल को चुना गया। इस दौरान व्यवस्थापक प्रवीण कुमार वे ऋण पर्यवेक्षक प्रवीण सिंह, निर्वाचन अधिकारी राजवर्धन सिंह, व्यवस्थापक लक्ष्मण सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष महिपाल सिंह देवला, व्यवस्थापक मोहन लाल वे ब्रांच के सभी व्यवस्थापक और अधिकारीगण मौजूद रहे। नव निर्वाचन समिति अध्यक्ष से आरपीडी न्यूज ने खास मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अध्यक्ष ने बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत मिलने वाली सभी योजनाओं का लाभ क्षेत्र के प्रत्येक किसान को दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं किशन सोलंकी के साथ सोसाइटी अध्यक्ष प्रकाश चंद्र राणा की समिति में किसानों के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से किशन सोलंकी हम लोग पहुंचे हैं ग्राम सेवा सहकार समिति सोडलपुर, जिसके नव निर्वाचित अध्यक्ष जो चुने गए हैं प्रकाश चंद्र जी राणा, उनसे हम रूबरू होंगे और बातचीत करेंगे कि जैसे उनको यहाँ की जनता ने आज अध्यक्ष के जो चुनाव हुए हैं उनके अंदर अध्यक्ष पद पर चुना है, तो उनसे जानकारी लेंगे कि उनको आज जनता ने चुना है तो उनके ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर वो चुनाव मैदान में आए थे। और किसान जो एक बात करे तो एक लैंड्स माने और या कोऑपरेटिव ग्राम सेवा सहकार समिति माने, इन दोनों के अंदर जैसे भी आज अध्यक्ष के उपाध्यक्ष के कार्यकारिणी पूरी बोर्ड मेंबर की बनती है, उसके आधार पे आज इनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो अध्यक्ष पद पे आने के बाद इनके क्या क्या किसानों के प्रति मुद्दे रहेंगे। तो अध्यक्ष साहब नमस्कार। नमस्कार, हमारे चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत है। जी सर, तो आपको यहाँ की जनता ने चुना है प्रकाश जी, आपको अध्यक्ष पद पे चुना है, आपकी अच्छे वोटों से लीड रही है। जी सर, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे किसानों के प्रति, जिनको आप किसानों को फायदा देंगे? जो किसान संबंधित जो भी सारी व्यवस्थाएं अंचल अनबन हो रही थी यहाँ पे, इसलिए जनता ने इनको करारा जवाब दिया सर। बिल्कुल, उसके बाद में क्या जो इनको रेट संबंधित जो भी पैसा मिल रहा था, बिल्कुल इससे उन्होंने रास्ते में कहीं फिंगर करवा के इनको पेमेंट इनके नाम से करवा दिया जी, पर किसानों तक वो पैसा नहीं पहुंचा था जी। इसके माध्यम से मेरे को नवनिर्वाचित सदस्य के रूप में उनको अध्यक्ष चुनाऊंगी सर। बिल्कुल, और मैं इनका हर काम तसली से और प्लस मेहनत और मेरी ईमानदारी से काम करूंगा। बिल्कुल, ये कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा कि लेफ्ट में जो भी सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजना आती है उनका पूरा पूरा लाभ दिलवाने की कोशिश करूंगा, और जनता किसी भी प्रकार की अगर डिमांड करती है और ग्राम सेवा सहकार समिति में जो भी सुविधा आती है उसका लाभ दिलाने का प्रयत्न करें। तो आप अपनी जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? जब भी आपको आप अभी आपकी जीत हुई अच्छे वोटों से, तो आप इसका आभार किसका व्यक्त करें? जनता का व्यक्त जी। जी, तो आप अपने क्षेत्र की और पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको जो भी हमारे सरकार की कल्याणकारी योजना है उनका पूरा पूरा फायदा देने का मैं पूरा काम करूंगा जी। और इनके बारे में जो भी व्यवस्था मेरे से जो भी कार्य इसमें आता है वो पूरा करूंगा जी। और ईमानदार के रूप में मेरे को चुना है जनता ने जी, और इनका जनता का भरोसा रखते हुए मैं मेरा कार्य जी। काफी बात करते हैं अपन राजनीति की, तो राजनीति में आपके पास पहले कोई पद रहा हुआ है? मेरा सर। अच्छा, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी से। जी जी, तो बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो सोडलपुर ग्राम सेवा सहकार समिति के जो नव निर्वाचित अध्यक्ष बने हैं प्रकाश चंद्र जी राणा, उनसे हमारी खास मुलाकात थी। और उन्होंने यही जानकारी देते हुए बताया कि किसानों ने अगर मुझे चुना है इस पद के लायक, तो मैं किसानों के जो भी कल्याणकारी योजना आती है ग्राम सेवा सहकार समिति में, तो उनको पूरा पूरा लाभ दिलवाने का कोशिश करूंगा। और जैसे खाद बीज दवाइयाँ किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उनका समाधान करवाएंगे लेंस के माध्यम से। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात है प्रकाश जी से आरपीडी न्यूज के अंदर, जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर।